celebrated on the 14th of November. It is celebrated for marking the birth anniversary of Pandit Jawaharlal Nehru. He was India's first Prime Minister and was popular as Chacha Nehru among the general people. He always emphasized children's rights, care and education. In 1964, after Pandit Jawaharlal Nehru's death, the government of India announced 14 November as Children's Day. His love and affection for children were true. Children also love him and affectionately called him Chacha. He once said, "The children of today will make the India of tomorrow. The way we bring them up will determine the future of the country." Thank you. There is something that we can't buy. One of such things is childhood days, and that you will only realize when you grow old. After the death of Pandit Jawaharlal Nehru, a resolution was passed in the Indian Parliament to make the birth anniversary of the first Prime Minister of India as Children's Day. It was done so because he was very popular among the kids. Prior to the death of Nehru, India celebrated Children's Day on November 20th. Apart from the tribute Children's Day offered to Pandit Jawaharlal Nehru, the celebration speaks of children's right, care and education. Pandit Jawaharlal Nehru once said, "Children are like birds in a garden and should be carefully and lovingly nurtured, as they are the future of the nation and the citizens of tomorrow." 14 नवंबर को बाल दिवस मनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 20 नवंबर को आयोजित किया गया था। 14 नवंबर को बाल दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का कहना है कि बच्चे ही किसी देश का भविष्य होते हैं, उनके विकास से ही देश का विकास मजबूत होता है। देश के विकास में बच्चों का सहयोग बहुत बड़ा होता है। देश का उज्जवल भविष्य बच्चे ही होते हैं। बाल दिवस को एक अच्छे त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद आप सभी को बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। रिस्पेक्टेड व्यूअर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों को बाल दिवस के शुभ अवसर पर कुछ बताना चाहती हूँ। आज हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री का जन्म हुआ था 14 नवंबर 1889 ईस्वी को। इन्होंने बच्चों की शिक्षा एवं बच्चों को जीवन जीने के लिए भी वकालत की। इन्हें बच्चों से बहुत प्यार था, बच्चे भी इनसे बहुत प्यार करते थे। बच्चे इन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहते थे। प्रधानमंत्री जी कहते थे कि बच्चे हमारे देश के भविष्य होते हैं। आज हम बच्चों को जैसी शिक्षा देंगे वह आगे चलकर वैसा ही करेंगे। यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम बच्चों को कैसी शिक्षा दे रहे हैं। जैसा कि देखा जाता है कि बच्चे आज जन्म लेने के साथ ही फोन की दुनिया में चले जाते हैं। बच्चों को कितना भी मना किया जाए कि तुम फोन मत देखो, फोन मत चलाओ, लेकिन वो किसी की भी बात नहीं मानते, क्योंकि रीजन ये है कि पेरेंट्स ही बच्चों को फोन स्टार्टिंग से ही दे देते हैं, जिसके कारण बच्चों का आदत बिगड़ जाता और वे फोन से दूर रहने के बजाय फोन के साथ रहना पसंद करते हैं और अपने पेरेंट्स से दूर हो जाते हैं। पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करते और पेरेंट्स को बच्चों से ज्यादा संपर्क करना चाहिए कि बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चों का डेली का रूटीन क्या है। जैसा कि पहले संयुक्त परिवार में होता था, सभी एक साथ बैठकर दिन भर की बातों को शेयर करते थे, अच्छी बुरी बातों को जानने की कोशिश करते थे या उनकी समस्या को सुलझाते थे, जिसके कारण अपराध भी बहुत कम होते थे। आज वही दौड़ लाना होगा कि बच्चों को अपने पेरेंट्स के साथ ज्यादा से ज्यादा संपर्क करें। थैंक यू। खेले कूदे झूमे गाएं, आओ हम सब मिलकर बाल दिवस मनाएं। भारतीय बच्चों के लिए 14 नवंबर एक विशेष दिन है। इस दिन हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बच्चे से बहुत स्नेह करते थे। माँ की कहानी थी, परियों का फसाना था, बारिश में कागज की नाव थी, बचपन का वो हर मौसम सुहाना था। नेहरू जी का जन्मदिन पूरे भारत में बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। बाल दिवस बच्चों के लिए समर्पित भारत का एक राष्ट्रीय पर्व है। देश के आजादी में नेहरू जी का महत्वपूर्ण योगदान था।
बच्चों के कल्याण के लिए विश्व कॉन्फ्रेंस में बाल दिवस की आयोजन का घोषणा की गई। इसकी नींव 1925 ईस्वी में रखी गई, जो हमारे देश भारत को आज़ादी के बाद 1954 में इसे मान्यता मिली। बाल दिवस बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। बाल दिवस के दिन सारे बच्चे बहुत खुश नजर आते हैं और अपने प्रिय चाचा नेहरू को बहुत प्यार से याद करते हैं, और विद्यालय और महाविद्यालयों में विशेष कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जिसमें वो बच्चे अपनी कला को प्रदर्शित करते हैं। रोने की वजह ना थी, ना हंसने का बहाना था, क्यों हो गए इतने बड़े हम, क्यों हो गए इतने बड़े हम, इससे अच्छा तो वो बचपन का जवाना था। बाल दिवस को सफलतापूर्ण श्रद्धांजलि तब मिलेगी जब हम चाचा नेहरू के तरह एक ईमानदार व्यक्ति बनेंगे। संपूर्ण भारत में 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन है। इनका जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। हर वर्ष इनके जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों से बहुत स्नेह करते थे, बच्चे भी इनसे बहुत ज़्यादा स्नेह करते थे। यह हमेशा कहते थे बच्चे राष्ट्र का भविष्य है, इनको अच्छी शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। यह दिन हम लोगों को यह भी याद दिलाता है कि बच्चों को बेहतर भविष्य प्रदान की जानी चाहिए, अच्छी शिक्षा एवं बुनियादी प्रदान करनी चाहिए, उन्हें अच्छी देखभाल करनी चाहिए, उनका बचपन जो है प्यार से स्नेह से उनको देनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। प्यारे दर्शकों, बाल दिवस के शुभ अवसर पर मैं आप सबसे कुछ कहना चाहती हूँ। नेहरू जी को बच्चों के प्रति गौरवशाली प्रेम था। वे मानते थे कि आने वाले राष्ट्र के भविष्य का निर्माता बच्चे हैं, तो बच्चों की शिक्षा को आगे बढ़ाने और सही दिशा में लाने का हम सबका अधिकार है और कर्तव्य है। बच्चों के प्रति उनके प्रेम की एक झलक में हमारे राष्ट्र की भूमि उनके जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में याद करने लगे। इस उत्सव का मुख्य उद्देश्य भारत के सभी नागरिकों को अपने बच्चों की शिक्षा प्राप्त करने के लिए और अधिकार देने के लिए जागरूक करना था। सही दिशा में आगे बढ़ना उन सभी बच्चों का अधिकार है, इसीलिए बच्चों के भविष्य के आधार पर एक अच्छी और समृद्ध राष्ट्र का विकास किया जा सकता है। धन्यवाद। भारत में प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। बच्चों के अधिकार और शिक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिवस को चुना गया। भारत में 1954 से बाल दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन पहले 20 नवंबर को मनाया जाता था। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 ईस्वी को कश्मीरी पंडित घराने में हुई थी। इनके पिता मोतीलाल नेहरू मशहूर वकील थे और कांग्रेस संप्रदाय के प्रभावशाली नेता थे। इनका बच्चों के प्रति बेहद लगाव था, बच्चे भी इन्हें बेहद स्नेह करते थे। बच्चों के अधिकार के लिए बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेना बेहद पसंद था, इसलिए बच्चे इन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहते थे। इनका हमेशा से यह चाहत थे कि देश के जनता के भीतर अंधविश्वास से मुक्त होकर तर्क करने की वैज्ञानिक सोच पैदा हो। तर्क करके यदि हम कोई भी कार्य करते हैं तो वो हमारा सुव्यवस्थित ढंग से अच्छे तरीके से होता है, लेकिन आज के डेट में कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो अंधविश्वास की ओर ज़्यादा भाग रहे हैं और इससे बच्चों का ध्यान भी अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इस वजह से बच्चों को अपना लक्ष्य निर्धारण करने में काफ़ी परेशानी होती है। इसलिए यदि सफलता की सीढ़ी को और यदि हमें जाना है तो हमें तर्क करके ही कोई भी कार्य करना हो। विशेष उनके बारे में क्या बताएं, जितना भी बोलेंगे काफ़ी कम ही होगा, तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद। चिल्ड्रंस डे के मौके पर न्यूज़ द पैशन की खसूसी पेशकश।